हेलो एंड वेलकम टू माय ई लेसन। मैं हूं आपका गुरु और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल में एक आपका कस्टम सर्च बॉक्स बनाना दिखाऊंगा। देखिए, जैसे मैंने यहां पे 5 टाइप करा तो इस शीट में जहां जहां पे 5 है वो उस पर कलर आ गया। आइए मैं यहां पे मेरा नाम टाइप करता हूं। ये है एक्चुअली मेरा असली नाम हेमन, और ये देखिए जहां जहां पे मेरा नाम लिखा है वो यहाँ पे हाईलाइट हो गया है। वैसे ही अब मेरे फेवरेट सुपर हीरो का नाम टाइप करते हैं थॉर, तो ये देखिए यहाँ पे थॉर ग्रीन हो गया है। वैसे ही अपनी पसंद की कार जो अगली खरीदनी है, JAGUAR जैगुआर, और ये जैगुआर देखिए हाईलाइट हो गया है ना। बढ़िया, कैसे बनाया आपको मैं दिखाता हूँ। ये करा मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग से और बड़ा ही आसान है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो मैंने लगा रखी है उसको हटा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे देखिए होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, यहाँ जाऊँगा क्लियर रूल्स और क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट, हटा दिया। ठीक है, अब हम लगाएंगे इसमें हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो जहाँ पे आपको रिजल्ट हाईलाइटेड चाहिए उस एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे हमने ये कर लिया। उसके बाद जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, स्टेप 1 बड़ा आसान, यहाँ तक ईजी है। उसके बाद जाइए न्यू रूल्स में, स्टेप 2 हो गया ये। स्टेप 3 है ये यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, यानी कि उन सेल्स को हम फॉर्मेट करेंगे या कलर करेंगे जिन पे फॉर्मूला मीट हो। और फॉर्मूला देखिएगा, दुनिया का सबसे आसान फॉर्मूला। यहाँ पे हम फॉर्मूला टाइप करेंगे, क्या होगा, कोई भी फॉर्मूला किससे शुरू होता है दोस्तों, इज इक्वल टू से, यानी कि सब बराबर है। यस, सब बराबर है, इज इक्वल टू कि ये वाला सेल, ठीक है। और इसमें देखिए डॉलर के निशान ऑटोमेटिकली लग गए, यानी कि जब भी हम कॉपी करेंगे तो एग्जैक्टली यही सेल रेफर के लिए रहेगा। ये सेल यहां पे जिस भी डेटा के बराबर हो तो वो सेल को हम कलर कर देंगे। तो क्या फॉर्मूला होगा, इज इक्वल टू ये वाला सेल इज इक्वल टू दोबारा ये वाला सेल, ठीक है। और चूंकि हमने पूरी डेटा पहले सेलेक्ट कर रखा है तो ये सब पे अपने आप लागू हो जाएगा। बस इसमें से एक काम करना है हमने कि यहां पे ये डॉलर के सिंबल जो इसमें लग गए हैं ये हटाने हैं, और ये आपको माउस से हटाने होते हैं, ठीक है। माउस से आप निशाना लगाएंगे और फिर डिलीट या बैकस्पेस दबा के हटा देंगे। उसके बाद आप जाएंगे फॉर्मेट में और एक कलर चुन लेंगे। यहां पे मैं चुन लेता हूं भाई नीला कलर से हाईलाइट कर दो, ओके कर दो, ओके कर दिया। और ये देखिए आपका सर्च कस्टम बॉक्स बन गया। अगर आपने नॉर्मल सर्च करा होता कंट्रोल एफ करके, जैसा कि ऐसे करते हैं, उसमें मैं टाइप करता जैगुआर JAGUAR, तो ये एक एक करके दिखाता भाई। पहला यहाँ पे आया, एक्चुअली यहां से हटा देता हूं मैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं रखता, कंट्रोल एफ जैगुआर। अब देखिए फाइंड नेक्स्ट, तो पहले यहाँ पे लेके आया और हाईलाइट भी नहीं, आपको ढूंढना पड़ता है कहां पर। फिर एक और फाइंड नेक्स्ट, पर इधर लेके आया, हाईलाइट नहीं है। हमारे वाले तरीके में आप जैगुआर जो है यहाँ पे अगर लिख दीजिए तो ये देखिए जैगु की कार है ना। बढ़िया, ये जो वीडियो है ना ये मैंने आपके लिए स्पेशली बनाया है, क्योंकि मेरे को बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे कि ऐसा सर्च बॉक्स बनाने के लिए। तो आप ऐसे रिक्वेस्ट करते रहिए, वीडियो के कमेंट में अपना रिक्वेस्ट लिख दीजिए और मैं आपका लिए ऐसा वीडियो बना दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना दोस्त मेरे, और सब्सक्राइब भी कर लेना प्लीज। और ये फाइल चाहिए हो तो चले जाना mylesson.org, वहां पे डाउनलोड फाइल्स करके ऊपर एक सेक्शन है, उस पर क्लिक कीजिएगा, सारी डाउनलोड करने वाली फाइल जो जो अवेलेबल है वो दिख जाती है आपको, वहां से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो तक के लिए दिस इज योर गुरु नाउ साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैव अ वंडरफुल डे अहेड, हैप्पी लर्निंग।